त्रिपुरा में कानून व्यवस्था का जायजा लेने पहुंची सीपीआईएम और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल पर सिपाहीजाला जिले के निहाल चंद्र नगर में अज्ञात हमलावरों ने हमला किया है। जानकारी के अनुसार इस हमले के दौरान कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। वहीं एआईसीसी प्रवक्ता अजय कुमार ने इस हमले के पीछे सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाया है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा के हाथ होने का उन्होंने आरोप लगाया और ये तस्वीरें आ गई है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में चुनाव बाद बढ़ती हिंसा पर ये टीम जो गई थी उसके बाद ये जायजा ले रहे थे, रिपोर्ट तैयार कर रहे थे और ये घटना सामने आई। We were inquiring on the shops burned. No, we were looking at violence from all aspects. You know, whoever has done it. Suddenly these guys started surrounding the vehicle and throwing stones. Now can you imagine in India where a group of senior leaders, MPs, senior leaders are inquiring from people on why is violence happening? And you get attacked by violence. You know, it's I feel for the people, the Chief Minister I hope is going to see this. But for people of Tripura, what is the kind of people you have elected? What is your future? आपका क्या future होगा पता नहीं यार। हम तो गए थे संवेदना प्रकट करने के लिए, जिसके साथ जो है, जिसके साथ violence हुआ है उनको हम मैसेज देने वाले थे साथ, और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी के हैं कि कांग्रेस के हैं कि सीपीएम के हैं, हर वायलेंस के खिलाफ हम हैं। और अचानक जो है बीजेपी के लोग ने जो है पूरी तरह से हमला कर दिया। अब मानिक शाह साहब बोलते हैं कि कुछ हम लोग कड़ा एक्शन लेंगे, आप हमने सामने देख लीजिए, एस्कॉर्ट था लेकिन जो एस्कॉर्ट का जो काम था वो ठीक नहीं था। कि हमें लग नहीं रहा कि हम लोग अपने देश में और इस लोकतंत्र में घूम रहे हैं। हम हर बार होता है कि आप एक पार्टी इलेक्शन जीतती है एक हारती है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं देखा जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर और कानून यहाँ पर चल रहा है कि जो हार गए हैं या अगर वो विपक्ष को वोट दे रहे हैं तो खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। सिर्फ गुंडागर्दी नहीं, मारा जा रहा है, घर को जलाया जा रहा है, शराब की बोतलें फेंकी जा रही हैं, और अगर विपक्ष आकर उनसे सिर्फ सहमति जब जता रहा है, उनके साथ है वो दिखाना चाह रहा है, तो हम लोग पे भी अटैक हो रहा है। अगर 8-8 एमपी सेफ नहीं है, एज अ वुमेन एमपी हमारी गाड़ी, हमारे आगे सीपीएम के गाड़ी, आपकी 30-40 फोर्स के बावजूद अगर कोई घर से निकल रहा है और आपकी गाड़ी पे अटैक करना चाह रहा है तो आम आदमी का यहाँ पे क्या हाल होगा? आप भी गए थे एक टीम में, तो क्या देखा आपने वहाँ पे, किस तरह के आपको क्या सिचुएशन फेस करना पड़ा? देखो, जो हम लोग 7 एमपी आया वो 3 ग्रुप में हम लोग बांटे गया था, और एक ग्रुप में मैं और कैरोल के इलाराम करीम जी था। तो हम लोग ये चारीपारा गया, गजारिया गया, उसके बाद वैष्णव टीला गया, उसके बाद हम लोग जब ये विशालगढ़ जेल के पास निहाल चंद्र नगर गया, वहाँ 20 दुकान को जलाया गया था, वो दिखने गया था। तो कुछ लोग आके खुद को बीजेपी वर्कर बोला, और 1-2 मिनट बाद वहाँ पे हमारे ऊपर अटैक शुरू हो गया, पत्थरबाजी शुरू हो गया, और वहाँ 30-40 पुलिस था, वो लोग कुछ नहीं किया। अगर 2 सीटिंग एमपी और 3 सीटिंग एमएलए को सरकार या पुलिस सिक्योरिटी दे नहीं पाते, कमन आदमी को, आम आदमी को कैसे वो लोग सिक्योरिटी देगा? प्रदेश में चुनाव बाद बढ़ती हिंसक घटनाओं पर ये टीम जो गई थी सीपीआईएम और कांग्रेस की रिपोर्ट तैयार करने गई थी वहां पर। सीपीआईएम 13 मार्च से शुरू हो रहे संसद में इस मुद्दे को उठाने के लिए प्रदेश के दौरे पर ये दोनों टीम थी, और उसी दौरान प्रतिनिधिमंडल पर ये हमला हुआ। और ये हमले की तस्वीर आई है जिसमें दोनों दलों के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों ने उन पर हमला किया और उन्होंने कई तरह से सवाल भी खड़े किए कानून व्यवस्था पर। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में जाकर स्थिति का जायजा लिया, साथ ही पीड़ितों से बातचीत की
माकपा और कांग्रेस इस हमले के पीछे भाजपा का हाथ बता रही है। माकपा 13 मार्च से शुरू हो रहे संसद में इस मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रही है। গন্ডগোলটা শুধু কালে মনে করেন রেজাল্ট যেদিন থেকে আউট হয়েছে ওই এয়ারপোর্ট থেকে একটা সন্ত্রাস আরম্ভ হয়েছে। আমরা পাস করলাম না কেরে তোরা বুটে মুখরে দিছস মুখরে দিছস শুধু কালে আন্তাজের উপরে এই সমস্ত হামলা গন্ডগোল এই মায়ের দুই এই ফিদাফিদি আগুন লাগা বাঙা ভাঙি এই যে চলছে 10-12 লক্ষ টাকা আমার ক্ষতি। এটা আমার যেটা অনুমান এটা রাজনীতি পলিটিক্স ইলেকশন তো ঠিকঠাকই হওয়া থা फिर इलेक्शन रिजल्ट के बाद से शुरू हो गया। परसों रात को तो बहुत हमला हो गया, माहौल अच्छा नहीं है एकदम। हाँ हम लोग तो बहुत डर रहे हैं। हमारा हस्बैंड CPM में था तो वही सब बस बोमा फोड़ रहा था, बहुत सारा बोमा फोड़ा। फिर बाहर से बहुत बोतल से ईट से बहुत ढील मारा, पता नहीं मैं तो हाँ वो तो कर ही रहा है, जो हम लोग को बाहर जाएंगे तो मारेगा रहने नहीं देगा ये सब तो बोल ही रहा है। मेरा नाम देवाशीष बर्मन, मैं 4 बरजला AMC कॉन्स्टिट्यूंसी का 50 नंबर बूथ का रहने वाला हूँ। ये इस क्षेत्र का नाम है पूर्व चांदमारी, यहाँ का लगभग काफ़ी सारे फैमिली रहते हैं। तो परसों रोज यहाँ BJP गवर्नमेंट होने के बाद वहाँ काल शपथ ग्रहण था, मतलब 8 तारीख को, तो उसी दिन के 3:30 बजे ये पूर्व चांदमारी एरिया में यहीं का कुछ लड़के लोग यहाँ के जो BJP का जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों ने हमारे घर में अटैक किया। ज़्यादातर अटैक मेरे घर में ही हुआ है। वहाँ पर मेरा एक ऑटो था, मैं जिसको मतलब अपना पेट चलाने के लिए वो ऑटो चलाता हूँ या किराए पे देता हूँ, वो ऑटो भी मेरा तोड़ दिया गया। मेरे घर में काफ़ी खिड़की का शीशा वगैरह देख रहे हैं आप सब, उसको मतलब तोड़ा गया। मतलब किसी तरह उस दिन अपने जान को अपने फैमिली को हम लोग किसी तरह बचा। पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस 40 मिनट बाद आया। अभी डर के माहौल में हैं, हम लोग कोई सुरक्षा नहीं मिला है। अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो हम लोग गरीब आदमी जो हैं हम लोगों का क्या होगा। BJP हैज स्टैंड फॉर इट, दिस पीपल आर द पीपल ऑफ इंडिया, दे हैव राइट टू लिव हियर। यू लुक एट देम, लुक एट द मदर एंड द सन, हस्बैंड इज सफर अवे, दिस इज टू मच। The trend I have been noticing both in Bengal and here in Tripura, the post-war violence is very severe. They have targeted the activists who belong to non-BJP party. And these goons let loose by the BJPs, they do not believe in democracy. We are today, three teams are visiting in different places.